स्टूडेंट्स, आप लोगों में से कोई बच्चा मुझे कमेंट किया था, सर आज का जो वीडियो आप दिए हैं वो साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम है उस वीडियो में, और जो लेक्चर हम दिए हैं स्पीच उसमें थोड़ा स्पीड ज़्यादा हो गया, इसलिए किसी को समझ में नहीं आया। इसलिए मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये वीडियो मैं दोबारा बनाने जा रहा हूँ। इस बार कृपया ध्यान दीजिएगा, मैं धीरे धीरे बताऊँगा और पिक्चर के साथ हर चीज़ को समझाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे आवर सेंस ऑर्गन, ठीक है, इसको दोबारा हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए, देखते रहिए। तो आप लोगों को पता है जो सेंस ऑर्गन होता है हमारा बॉडी में, ठीक है, इंसान का जो शरीर होता है उसमें 5 सेंस ऑर्गन होता है, ठीक है, जैसे कि आइज, नोज, ईयर्स, टंग्स और स्किन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आइज, ठीक है। तो देखिए आप लोग अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रहा है, इस पिक्चर्स के बारे में डिटेल्स में बताएंगे आप लोगों को। फिलहाल हम लोग आपका बुक में जो लाइन्स है उसको पहले पढ़ लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, आइज हेल्प अस इन सीइंग वेरियस थिंग अराउंड अस। आँख हम लोगों के आसपास चारों तरफ जो भी है बहुत सारा चीज़ देखने का मदद करता है। वी कैन कंपेयर आवर आइज, हम लोग अपना आँख को कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं किसके साथ, वही टीवी के साथ, है ना। कैमरा में हम लोग देखेंगे एक आँख जैसा कुछ होता है, उसमें भी लेंस लगा रहता है ना, टीवी में भी है ऐसा कुछ, मतलब उसका भी लगता है कि उसका एक आँख है ना। कैमरा में भी एक आँख है, टीवी में भी आँख है, जहाँ पे बहुत कुछ दिखता है। अगर हम लोग कैमरा लेके देखेंगे तो बहुत कुछ दिखेगा सामने, है ना, उसमें लेंस रहता है। और टीवी अगर देखेंगे, टीवी खुलेंगे तो टीवी के सामने बहुत कुछ दिखता है स्क्रीन में, तो लगता है कि उसका भी एक आँख है। तो जो भी है, हम लोग अपने आँख को एक टीवी और कैमरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। लेकिन जो इंसान का है, ह्यूमन बॉडी का जो आइज़ है वो कंपेरेटिवली बहुत अच्छा है ना, क्योंकि ये लिविंग बींग्स का है। अब देखिए सेकेंड लाइन में क्या बोला गया है, दे आर मूविंग पिक्चर्स ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस बैक टू द ब्रेन। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि टीवी में जो मूविंग पिक्चर्स आप तो देखते हैं, कोई बस जा रहा है, ट्रेन जा रहा है ना, तो हमारे लोगों के आँखों के सामने भी बहुत कुछ चीज़ घूमता रहता है, कोई बस जा रहा है, कोई ट्रेन जा रहा है, तो हम लोग भी ये देखते हैं। और ये जो देखते हैं ये क्या, सीधा ब्रेन में जाके इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है, तब हम लोग देखते हैं, ठीक है। बैक टू द ब्रेन, ये जो आँख के पीछे एक ब्रेन रहता है, ठीक है, यहाँ पे जो आँख दिख रहा है ना, इस एक नर्व है, ऑप्टिक नर्व, ये ब्रेन के साथ जुड़ा है, ठीक है। तो आँख के पीछे जो ब्रेन है उसके साथ जुड़ा है, उसमें उसकी मदद से हम लोग कोई भी पिक्चर को देख पाते हैं। अब देखिए, लुक एट दिस पिक्चर ऑफ एन आई, आप यहाँ पर एक पिक्चर को देखिए आप लोग, आई का एक पिक्चर दिया हुआ है। आप लोग शायद इस पिक्चर को उतना समझ नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पिक्चर दिया हुआ है कहाँ से लिया गया आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। देखिए लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है, एक्चुअली क्या है, आँख को निकाल के उसको काट के दिखाया गया है, उसके अंदर क्या क्या रहता है, ठीक है। तो हम इसको समझाने के लिए कुछ पिक्चर्स लिए हैं इंटरनेट की मदद से, गूगल से डाउनलोड किए हैं आप लोगों को समझाने के लिए। तो थोड़ा देखिए यहाँ पर जो है, देखिए कुछ ये है ह्यूमन आई, सभी को पता है ये क्या है, आई है, आँख है, ठीक है, सभी के पास है दो दो करके। यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई को अगर हम लोग इसको नोच करके बाहर निकालें तो कैसा रहेगा, अगर इसको निकाल लें हम लोग नोच के, तो आपको ये गोला जैसा दिखेगा, एक प्लास्टिक बॉल जैसा, एक आँख है। आप लोग सोच के हैरान हो जाएंगे, ये आँख है, ये सच में कोई आँख है या फिर कुछ खिलौना जैसा कुछ है, लेकिन सच में आँख ऐसे ही होता है, ठीक है, ये अंदर में रहता है। ये वाला जो हिस्सा आप लोगों को दिख रहा है ना, ये जो हिस्सा है ये अंदर रहता है, इसलिए आप लोगों को दिखता नहीं, आप लोगों को सिर्फ इतना सा दिखता है। मैं दूसरा कलर से दिखा रहा हूँ, आप लोगों को कितना सा दिखता है, आप लोगों को बस इतना सा दिखता है, ठीक है, बाहर से बस, लेकिन इसका अंदर जो ये चीज़ है ये चीज़ आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अब हम बाहर करके ले, इसको आँख को बाहर करके ले आए हैं, बाहर में ले आए, इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत पता चल रहा है। अब देखिए अगर इसको हम बीच में से काट ले, अगर ऐसे 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 काट ले बीच में से, ठीक है, चाकू से, तो कैसा होगा, तब जो आएगा पिक्चर वो है ऐसा आएगा, ये देखिए ऐसा एक पिक्चर आएगा जो आपका बुक में है, यहाँ पर, यहाँ पर जो पिक्चर है, ठीक है, यहाँ पर जो है एक पिक्चर है। तो अगर काटने के बाद जैसा होगा, काटने के बाद एकदम ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब हर एक चीज़ को, हर एक हिस्सा को हम लोग जानेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है एकदम बाहर का जो लेयर है यहाँ पर, ठीक है, ये जो है ये है कॉर्निया, इसका क्या नाम है, इसका नाम है कॉर्निया, ठीक है।
ये देखिए यहाँ पे लिखा है, मेंशन किया है, ये है कॉर्निया। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा एक ब्लैक जैसा काला कलर का, है ना, जिसे हम लोग देखते हैं आँख के बीच में रहता है, ठीक है, वो उसे कहता है प्यूपिल, ठीक है, उसका नाम है प्यूपिल। और इसके बाद जो है यहाँ पर यह है एक लेंस, आँख में एक लेंस रहता है, ठीक है, जब लाइट पास करता है तो लेंस से जाता है, ऐसे लाइट आएगा, ऐसे लाइट आएगा तो लेंस से जाकर ऐसे जाता है, एक जगह में मीट करता है, ये मीटिंग पॉइंट में। अब फिर एक यहाँ पे जो पिक्चर आता है ना, ये पिक्चर एकदम उल्टा बनता है, यहाँ पे कोई अगर आदमी खड़ा है तो यहाँ पे मुंडी होगा, इसका यहाँ पे पैर होगा, लेकिन उसका पिक्चर जो बनेगा इसको उल्टा होगा, ठीक है, मुंडी नीचे आ जाएगा, पैर ऊपर जाएगा, मुंडी नीचे आ जाएगा, लेकिन फिर वो जब ये ऑप्टिक नर्व से ब्रेन में जाएगा, ब्रेन में जाकर वो पिक्चर सीधा हो जाएगा, तब हम लोग सीधा देखते हैं, ऐसे देखते हैं, ठीक है। फिलहाल उतना हम लोग ध्यान नहीं देंगे, फिलहाल यहाँ पे हम लोग आँख के बारे में पढ़ रहे हैं, आँख के भी वेरियस पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप लोग उस पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर एक नंबर क्या है, बार कलर जो लेयर है कॉर्निया, और यहाँ पर जो है ब्लैक कलर का, ठीक है, ये है प्यूपिल, और यहाँ पर जो है लेंस, ठीक है। तो ये बीच में ब्लू कलर का क्या है, आप बोलेंगे सर ये वाला जो क्या है, ये वाला यहाँ पर एक जेली लाइक सब्सटेंस रहता है, उसका नाम है एक्वस ह्यूमर, ठीक है, एक्वस ह्यूमर, ठीक है। अब अंदर देखिए, अंदर कुछ नाप्स दिख रहा है आपको, ठीक है, नाप्स है, और यह जो नाप्स निकल के गया ये है ऑप्टिक नर्व, ठीक है, यह क्या है ऑप्टिक नर्व, ये ऑप्टिक नर्व ब्रेन के साथ जुड़ा है, जो ब्रेन में जाकर एक पिक्चर को सीधा करके दिखाता है, तभी हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी कुछ लिक्विड्स है, इसका नाम है विट्रियस ह्यूमर, ठीक है, विट्रियस ह्यूमर इसे बोला जाता है, ये भी एक लिक्विड सब्सटेंस है और ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि इसके अंदर से लाइट पास करेगा, पास करना चाहिए, तो इसको ट्रांसपेरेंट होना ज़रूरी है, अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होता तो वो उससे अंदर से लाइट पास नहीं करता, ठीक है। तो आँख के बारे में इतना ही आप लोगों को बताना था, आप लोगों को बता दिया, यहाँ पर भी एक पिक्चर लिए थे हम, और एक बात हाँ बताना भूल गए, यहाँ पर देखिए आप लोगों को कुछ दिखाई देगा, ये है सिलियरी बॉडी, ठीक है, यहाँ पर जो दिख रहा है ये सिलियरी बॉडी, सिलियरी लिगामेंट्स भी कहता है, ठीक है, ये मसल से बना है, ये किस लिए है, लेंस को पकड़ के रखने के लिए, लेंस को फ्लेक्सिबल करने के लिए, ठीक है, ओके। अब हम लोग देखेंगे जो यहाँ पर है, लुक एट दिस पिक्चर ऑफ एन आई, आँख की एक पिक्चर को आप लोग देखिए, द आई बॉल इज सेफली सेट इन अ डीप बोनी सॉकेट एंड इज फर्दर प्रोटेक्टेड बाई द आईलिड्स एंड द आई लेसेस। अब लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक आँख का पिक्चर है, ठीक है, आँख का पिक्चर में और क्या क्या दिख रहा है कि आई बॉल है, ठीक है, आई बॉल यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे दिखा देंगे पिक्चर में, इसे कहते हैं आई बॉल, ठीक है। इसमें से ये ब्लैक कलर का है प्यूपिल, और जो ग्रीनिश कलर का है उसे कहता है आयरिस, ठीक है। अब हम लोग लाइन में आ जाएंगे, देखिए आप क्या है, दिस हेल्प टू कीप डस्ट एंड डर्ट आउट ऑफ आवर आइज, ये लोग जो है एक क्या करता है, धूल को रुकता है अंदर जाने से, ठीक है, और आँख को प्रोटेक्शन देता है। सो देयर इज अ सर्कुलर ट्रांसपेरेंट एरिया इन द फ्रंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द आई, तो आँख के सामने एक सर्कुलर जैसा रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है, सर्कुलर गोला जैसा है, ठीक है, ये क्या है, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर ही तो है, ये स्ट्रक्चर एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है, गोल जैसा है, और ट्रांसपेरेंट है मतलब वो लाइट को पास करने देता है, ट्रांसपेरेंट चीज़ ही है, एक ऐसा चीज़ है जो लाइट को अंदर से पास करने देता है। दिस इज कॉल्ड कॉर्निया, इसे बोला जाता है कॉर्निया, ठीक है। यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे इस पिक्चर को और एक बार देख लेंगे, देखिए ऊपर का जो लेयर है स्फेरिकल टाइप का, ठीक है, आपका आँख को एक बार टच कीजिए आप तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ये जो चीज़ है ऊपर का लेयर, इसे कहता है कॉर्निया, अपर लेयर को कहता है कॉर्निया। अगर इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये वाला हिस्सा दिखेगा, ये वाला जो हिस्सा है ये है कॉर्निया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, द कलर सर्कल इन द आई इज द आयरिस, कलर्ड सर्कल इन द आई, आई में जो कलर किया गया है सर्कल करके वो है आयरिस, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख लेंगे आयरिस को अच्छे से, ये जो ग्रीनिश कलर का है ये है आयरिस, ग्रीनिश कलर का है ये है आयरिस, और ब्लैक कलर का है प्यूपिल, ठीक है, ये है प्यूपिल और ये आयरिस, ओके। अब नेक्स्ट में देखेंगे
नेक्स्ट में आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि केयर ऑफ आइज़, आइज़ के अगर आइज़ के बारे में केयर करना है, ठीक है, आइज़ को अगर उसका हम लोग, आप लोगों को पता है कि आइज़ इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हम लोग, आप लोग को बताए ऑलरेडी, और जिसके मदद से पूरी दुनिया को हम लोग देखते हैं, तो उसके उसका भी केयरनेस लेना ज़रूरी है, ठीक है, उसको भी प्रोटेक्ट करना हमारा एक जिम्मेदारी बनता है। तो क्या क्या चीज़ करने से हम लोग आँख को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, देखिए, एक नंबर पॉइंट है सिट अपराइट वाइल रीडिंग, जब पढ़ाई कर रहा है तब सीधा रहना चाहिए, ज़्यादा बेंड नहीं होना चाहिए। कीप योर बुक अबाउट 12 इंचज अवे फ्रॉम योर आइज, आँख को और किताब से 1 फीट दूर, मतलब 12 इंचज मतलब 1 फुट एक दूर में रखना होगा, ठीक है, ज़्यादा करीब नहीं लाना है। अगर ज़्यादा करीब लाओगे बुक को तो आपको पढ़ने में भी दिक्कत होता है और आँख में भी प्रेशर आता है। 2 नंबर है डू नॉट रीड इन डिम लाइट, डिम लाइट में पढ़ाई नहीं करना चाहिए, मतलब जहाँ पर लाइट कम है, ठीक है, हल्का है, उसमें पढ़ाई नहीं करना है, यहाँ पे अच्छा लाइट है वहाँ पे पढ़ाई करना चाहिए। मेक श्योर दैट योर शेडो डज नॉट फॉल ऑन द बुक व्हाइल यू रीड, और एक बात आपको निश्चिंत होना, जब आप पढ़ाई कर रहा है तब बुक के ऊपर तुम्हारा परछाया नहीं पड़ना चाहिए। डू नॉट वॉच टू मच टेलीविजन, ठीक है, ज़्यादा टेलीविजन नहीं देखना है, टीवी ज़्यादा नहीं देखना है, उससे आँख खराब हो सकता है। 6 फीट अवे फ्रॉम टीवी, और टीवी देखने के समय टीवी और आप में 6 फीट का दूरी होना आवश्यक है। नेक्स्ट डू नॉट स्पेंड मच टाइम प्लेइंग गेम्स ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर में ज़्यादा गेम नहीं खेलना है, या फिर कंप्यूटर इस्तेमाल करेंगे भी तो उस भी एक लिमिटेशन होना चाहिए। वॉश योर आइज विथ क्लीन वाटर, और आँख को एक क्लीन वाटर से उसको धोए ताकि आँख और भी अच्छा रहे आपका, सुरक्षित रहे, ठीक है। तो आज के लिए इतना सा ही, आज हम लोग आँख को कवर किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एयर को कवर कर लेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।